कोर्स थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हमारे पास पंडित जी की दी हुई जो सीरीज ऑफ बुक है उसमें अगर आप पढ़ोगे तो हर बुक कुछ ना कुछ अलग कहती है। क्यों अलग कहती है? क्योंकि वो जो जमाना था जिसमें पंडित जी ने ये सारी किताबें लिखी और उन्होंने वो जो जमाना देखा कि भाई हर उनकी किताब के बाद उन्होंने जो महसूस किया कि भाई जो मैंने अपनी पहली किताब में शर्तें लिखी या मैंने अपनी पहली किताब में निशानियां लिखी वो थोड़ी थोड़ी उनको बदलती नजर आई। तो अप टू 1952 तो उनकी जो लास्ट उन्होंने बुक लिखी उसमें उन्होंने पूरा उसका सारांश कर दिया। लेकिन सारांश करने का मतलब ये होता है कि भाई आपकी जो पहली की जो किताबें लिखी गई उसमें उन्होंने डीप नॉलेज हमें दी। अब हमारी प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम सब जितने भी प्रैक्टिस करने चाहते हैं लाल किताब, हमारी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही हम कुंडली में किसी घर में 2 से 3 ग्रह देख लेते हैं तो हमें डर लग जाता है, अरे भाई इसके तो इस खाने में इतने सारे ग्रह बैठे हैं, अब इसका हम क्या करें? कौन से ग्रह का मैं फलित करूं? कौन से ग्रह का मैं इसको उपाय दूं? तो जो वो जो चीज है वो पंडित जी की सारी किताबों में से, जिसको पंचायती कॉम्बिनेशंस और युतियां कहा गया, पंडित जी ने अपनी हर किताब में, जैसा मैंने कहा आपको, उन्होंने इतने कॉम्बिनेशंस बनाए जितने बन सकते हैं दुनिया में, उन्होंने उतने कॉम्बिनेशंस बना के उन्होंने उसका सारांश हमें दिया ताकि हम जैसे मंद बुद्धि लोगों को आगे चल के किसी की मदद करने में कोई बाधा नहीं आए। यानी हम अपने दिमाग से कोई चीज उल्टी सीधी चीजें ना करें ना उनको दें। तो इसीलिए उन्होंने वो सारे पंचायती ग्रह कॉम्बिनेशंस उन्होंने सब हमें पहले से ही वो दे गए कि भाई अगर आप इसको समझ लेते हो तो आपको कोई भी कुंडली सामने आ जाती है तो आप देख के फटाफट उसको जवाब दे सकते हो कि भाई तेरा ये ग्रह खराब है इतनी भीड़ में। क्योंकि ग्रहों की भीड़ में वो ग्रह ढूंढना जो उसको धन लाभ देगा या जो उसकी बीमारी का हल करेगा या जो उसको इलाज देगा या जिसको हाथ लगाने से उसका भला हो जाएगा, तो वो ग्रह ढूंढना पूरी कुंडली में वो एक रहस्य है जो कि लाल किताब में बहुत टाइम लगता है उसको पकड़ने के लिए। उसको पकड़ने के लिए आपके लिए जो हम ये कोर्स ला रहे हैं उसमें ला रहे हैं सारे कॉम्बिनेशंस, जितने कॉम्बिनेशंस आपको ग्रह के बनते हैं हम वो सारे कॉम्बिनेशंस आपको सिखाएंगे। कॉम्बिनेशंस को कैसे आपने कुंडली पे लगाना है, जो लोग मेरे साथ B2A में है और उनको ये पता है कि भाई कुछ कंडीशंस मैं हमेशा से उनको भी याद करवाती रहती हूँ अपनी क्लास में कि ये याद रखना ये याद रखना, तो वो जो कंडीशंस हैं उनको और आगे डीप में आप कैसे देखोगे? और आगे डीप में यानी कि भाई वो जो कंडीशंस लग रही हैं उनके हल आप कैसे निकालोगे? कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको आप देखते ही जांच लोगे और कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके अंदर के मसनूई आप हिलाओगे तो काम होगा? अगर मसनूई नहीं हिलाओगे, ग्रह का डायरेक्ट उपाय दोगे तो उसको नुकसान होता है। तो वो जो नुकसान और फायदे का जो हमारा छोटा सा दायरा रह जाता है सामने वाले के लिए, उसको आपको कवर करने के लिए हम ये नया कोर्स जो संपूर्ण लाल किताब है हम वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको जो फुल नॉलेज एक एक ग्रह की। लेकिन मेरी जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे सर, मैं उनसे एक ही चीज पहले बहुत ज्यादा क्लियर करना चाहती हूँ, इसमें आपको कोई PDF नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको कोई PDF नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैंने बचपन से खुद अपने हाथों से लिखा है, आपको भी लिखना पड़ेगा। तो आप कोर्स को ज्वाइन करें, रिकॉर्डिंग्स हमारी तरफ से आपको पूरी मिलेंगी, बार बार लिखो, अपनी कॉपियां भरो, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम आपको अपनी तरफ से कोई PDF नहीं देंगे। क्योंकि जब PDF हमारे हाथ आ जाता है हम उसको टॉपिक को गहराई से नहीं समझते। अगर मैं कुंडली बनाती हूँ, गुरु यहाँ बैठा है, बुध वहां बैठा है, तो मेरे दिमाग में भी मुझे याद रहता है कि गुरु यहाँ बैठा है, बुध यहाँ बैठा है, और जो आपने लिखा होता है वो आपके मुंह से बाहर आता है। तो जो लोग खाली इसको PDF की तरह लेना चाह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन
आप अपने हाथों से इसको लिखोगे, आपको सब कुछ उसमें मिलेगा, जो चीजें, जो कुछ पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स होंगे या जो अंडरलाइन पॉइंट्स होंगे, जो प्रिंसिपल्स होंगे, वो आपको हम लिख के अपने उस पे देंगे कि भाई ये जो ग्रह है, अगर ये ग्रह है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई पॉइंट्स होते हैं जो आपको, जैसे हर क्लास में मेरी रिपीट होते हैं वो पॉइंट्स, क्योंकि मैं याद कराने की कोशिश करती हूँ आप सबको, तो वो पॉइंट्स का पीडीएफ आपको मिलेगा, लेकिन फुल नोट्स, जो कि 1 से 12 गुरु कहाँ बैठा, सामने कौन बैठा, क्या हुआ उसके साथ, क्या उसकी सिचुएशंस होंगी, वो सब आपको अपने हाथों से खुद लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लाल किताब है ना, ये एक सागर की तरह वो है, जब तक आप इसमें तैरना नहीं सीखोगे तब तक आप इसको पार नहीं करोगे, अगर आपने तैरना नहीं सीखा अपने बलबूते पे, तो आप हमेशा डूबते हुए ही मिलोगे और सामने वाले को भी डुबो दोगे, तो इसलिए बेहतर ये है कि भाई आप इस सब्जेक्ट को समझें, ग्रहों का रिश्ता समझें, जो पंडित जी हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और एडवांस लेवल में जो चीजें आएंगी वो और एडवांस की तरह आएंगी, जैसे कि हमने कहा कि भाई पंचायती ग्रह, पंचायती ग्रह जो उसमें होते हैं उसमें आएंगी कि भाई आपके कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, सामने अगर ये ग्रह बैठा है तो इंसान को क्या होगा, यानी प्रेडिक्शंस, यानी उसकी जितनी प्रेडिक्शंस पंडित जी दे गए हैं हमें, वो सारी प्रेडिक्शंस आपको, अभी तो हम जो देखते हैं कि भाई शनि 6 में है तो ये वाले सिम्टम्स हो सकते हैं, एडवांस में आपके शनि के सामने कौन बैठा है उसके सिम्टम्स आपको दिए जाएंगे, यानी एडवांस, बिल्कुल एडवांस है, ताकि आप उसको पकड़ के उसका इलाज आप सही से कर सको, और रेमेडीज वो आएंगी जो एडवांस लेवल पे आपको सिखाई जाएंगी या समझाई जाएंगी, उसका अच्छा और बुरा दोनों बताया जाएगा, किस केस में आपको देना है उस केस में आप दे सकते हो। आई थिंक काफी लोगों के ये स्विच ऑफ है, प्लीज जरा जितने भी स्विच ऑफ हैं आप सब जरा ऑन करें अपने अपने वीडियो, ताकि हम देखें तो सही कि कौन कौन आज नए साल के लिए हमारे साथ जुड़ा है। हाँ, अब चेहरे देख के मजा आ रहा है ना, नए साल है और यहाँ तो वैसी बारिश हो रही है कल रात से इतनी कि एकदम बाहर धूप अंधेरा है, तो इसमें भी तेरा देख के तो ऐसा लग रहा है कि आज सूरज तो दिख ही नहीं रहा है। पाल सिंधु जी, नो प्रॉब्लम, आई नो कि आपका कैमरा एडवांस कोर्स है, जैसे आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि ग्रह हो गए 5 ग्रह, यानी पंचायत ग्रहों की पंचायत लगी हुई है किसी घर में आपके, ये कंडीशन आपको कहाँ मिलेगी, काफी लोग होते हैं जिनको बैठ जाते हैं तो जी हैं, तो हम देखते ही हिल जाते हैं कि भाई इसका कौन सा ग्रह को अलग करें, कौन से ग्रह को निकालें या कौन से ग्रह को पकड़ें, ये तो सारे एक साथ जुड़ के बैठे हुए हैं, और सबका जो अंश रहता है, जो डिग्री रहती है, वो कम 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 रहती है, तो ऐसा भी कभी कभी आपके पास कुंडली आती है, पंडित जी इसका भी हल देके गए हैं, यानी उनको ये पता था कि भाई इतने उस समय उनके पास कितनी कुंडली आई होंगी जो उन्होंने देखी होंगी या उन्होंने जांची होगी, लेकिन उन्होंने सारी कॉम्बिनेशंस को अपने उसके अंदर पूरे अच्छे से हमें बताया। आज मैं आपको पंडित जी की लिखी हुई जो उर्दू में उन्होंने लाइनें लिखी थी वो मैं आपको कुछ समझाऊंगी कि भाई लाल किताब में हम दोस्ती दुश्मनी को कैसे नापते हैं, हम ये नहीं कहते लाल किताब में कि इसका दुश्मन वो या ये इससे दुश्मनी करता है, हम उसमें ये कहते हैं लाल किताब की भाषा में पंडित जी ये कह के गए कि भाई चंद्रमा बुध से दुश्मनी रखता है लेकिन बुध चंद्रमा से दुश्मनी नहीं रखता, तो ऐसे ही कई ऐसे ग्रह हैं पंडित जी ने हमें बताए कि जो ये बोलता है कि भाई मैं तेरे जैसा हूं, मैं तेरे लेवल पर हूं, तो ऐसी चीजों को समझना जो उनके वर्ड्स में था उसको समझ के ग्रहों के अनुसार उसकी रिमेडी करना, भाई सम हो गया, अब सम हो गया
भाई आप उसके बराबर हो गए तो आपका औहदा और उसका औहदा सेम हो गया, तो उस औहदे पे बैठ के आप बात करोगे ना, आप नीचे या ऊपर नहीं चढ़ोगे। तो उस औहदे पे बैठ के आप क्या रिमेडी दोगे जिससे कि भाई वो बंदा उस रिमेडी से कामयाब हो, क्योंकि उसके वहां सम ग्रह बैठा है। ऐसे ही कॉम्बिनेशंस में जो ग्रह बैठते हैं, वो भी कॉम्बिनेशंस में हमें हर ग्रह को पढ़ना है, हर ग्रह के फिर कॉम्बिनेशंस को भी पढ़ना है इलाज करने से पहले। तो पंडित जी ने हमें हर ग्रह बताया, एक-एक खाने में बताया, सामने आमने कौन बैठेगा, क्या होगा, ये होंगे, बच्चों की शादी कहाँ होगी, बच्चों की बीवियां कैसी आएंगी, इस घर में कब किसी का दांत तक टूटेगा, यहां तक पंडित जी ने हमको ये सारी चीजें अपनी किताबों में बता गए। सिर्फ ग्रहों के मुतालिक चीजें ही उन्होंने बताई लाल किताब में। लाल किताब में हम राशियां नहीं देखते, हम योग नहीं देखते, लाल किताब के अपने योग होते हैं, लाल किताब के अपने धन योग, आपके बीमारी का कोई कारण बन रहा हो, ये सारी चीजें अपने अलग तरीके से लाल किताब में होती हैं।